पिछले लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य लंबित मांगों के लिए लगातार संघर्षरत IFWJ की राजस्थान प्रदेश इकाई के आह्वान पर विभिन्न जिलों में सैकड़ों की संख्या में आए पत्रकारों ने जयपुर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पत्रकारों ने आज जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपने के लिए 8 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया, जहां पहले अनुमति 5 फिर 3 करने पर पत्रकार संगठन आक्रोशित हो गया और विधानसभा के बाद ही धरने पर बैठ गया। बरसात की बूंदें भी पत्रकारों को विचलित नहीं कर पाई और वे 4 घंटे वहीं सड़क पर डटे रहे। पुलिस प्रशासन के समझाइश के लंबे दौर के पश्चात कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को विधानसभा बुलाया और ज्ञापन लेते हुए कहा कि पत्रकारों की सभी मांगें पूर्णतः वाजिब है। पूर्व में भी उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर पत्रकारों की इस मांग का समर्थन किया था और आज भी अपने वादे पर कायम है। वह मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। उसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल सचिवालय में RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर तथा मुख्य सचिव उषा शर्मा से मिला, जहां उन्होंने अपनी मांगों की विस्तृत जानकारी देते हुए संगठन की गतिविधियों से भी उन्हें अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने संगठन से कुछ अन्य जानकारियां भी मांगी और पत्रकार सुरक्षा कानून के विभिन्न राज्यों के मसौदों के अनुरूप राजस्थान प्रदेश में भी इसे क्रियान्वित करवाने का आश्वासन दिया। आज IFWJ के समस्त राजस्थान भर के मेरे पत्रकार साथी श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी राठौर के नेतृत्व में हम जयपुर की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे लिए और इस सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि एक पत्रकार जो इन लोगों की खबरों को जो प्रकाशित करता है, इनके पीछे पीछे घूमता है, पीछे पीछे फिरता है और उसको पुरजोर तरीके से प्रकाशित करता है। इस सरकार के लिए इससे क्या बड़ी शर्म होगी कि इनके सामने पत्रकार या 20 रुपये, ये इनके लिए शर्म डूबन की बात है। अगर ये सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लागू नहीं करते हैं तो IFWJ के समस्त पत्रकार साथी जिला स्तर पर, उपखंड मुख्यालय पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे और आम जन को, आम पब्लिक को ये बताएंगे कि निठल्ली सरकार किस तरह से पत्रकारों का शोषण कर रही है। जो इनके घोषणा पत्र में था, लिखा हुआ था, इनकी मांग थी कि हम आपको ये कानून देंगे, उसके बावजूद भी ये हमारे साथ इस तरह का धोखा कर रही है। हमें 18 बार जयपुर में आना पड़ा, प्रतिनिधिमंडल के रूप में जिलों से भेजा है। यहाँ उपस्थिति देखिए आप, इनकी छितरे हुए बैठे हुए हैं, दम भरते थे कि आप लोग इतने आप संख्या में यहाँ बैठेंगे। इस जज्बे से आप पत्रकार सुरक्षा कानून लेंगे सरकार से, बड़े शर्म की बात है। ये सरकार तो अपनी हठ धर्मिता पर उतरी हुई है, लेकिन हमें भी अपना आंकलन तो करना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं तो यहाँ बैठने को तैयार हूँ, आज कल महीना भर, 2 महीना 3 महीना है आप लोगों में, ये देखिए इस संख्या के साथ बैठेंगे आप लोग। अपने अपने साथ में जो आए थे उनको फोन लगाइए, बुलाइए आप उनको यहाँ पर, आप भी बैठे हैं, आप लोगों को भी 100 काम होंगे, उनको काम है, आपको भी है, आप भी घर छोड़ कर के आए हैं। अचानक 20 तारीख का था, आप 18 तारीख को सारे के सारे यहाँ पहुँचे। पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू कराने के लिए आपको अपनी इज्जत के लिए आपको डट कर बैठना पड़ेगा यहाँ पर। तैयार हैं आप लोग? सरकार के प्रतिनिधि जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको यहीं डट कर बैठना है। सभी जो तहसील सुरक्षा कानून को लेकर IFWJ और भी संगठन जो है लगातार प्रयासरत है, तो सरकार के क्या मंशा है? आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हो, आज आपको ज्ञापन दिया है। देखिए, आपके संगठन ने जितने भी मुद्दे आज उठाए हैं, जो ज्ञापन दिया है, मैंने
हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहिबा ने ज्ञापन लिया है और ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक हम भेजेंगे, उनसे आपकी पैरवी भी करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने पत्रकारों के लिए जितने योजनाएं, जितने काम किए हैं उतने देश के किसी भी राज्य में नहीं है। ये आप खुद भी जानते हैं, आपके संगठन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी ने भी कहा है। और राजस्थान में न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी जितनी योजनाएं हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो दी है वो दूसरे राज्य भी अगर उनका अनुसरण कर लें और भारत सरकार भी अनुसरण कर ले तो गरीबों को राहत हो जाए, महंगाई में राहत मिल जाए। पत्रकारों के ऊपर आज देश में जो हमले हो रहे हैं, पत्रकारों की आप ये देखो जितने भी लेखक हैं, जितने भी मतलब बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन पे किस ढंग से बर्ताव हो रहा है और आप जान रहे हैं तो खुद ही कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का क्या देश की जो ये एजेंसियाँ हैं, जो एक तरह से प्रमुख एजेंसियाँ थी जिनका बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट था, रिगार्ड था, उनका भी मैं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग भी हो रहा है। पत्रकारों के साथ भी जो दुरुपयोग ना हो, पत्रकारों के हितों की सुरक्षा, हमारी सरकार हमेशा पत्रकारों की सुरक्षा की हिमायती रही है। तो मैं कह सकता हूँ और आप सबसे भी अपील करेंगे हम कि प्रदेश की जो सरकार ने योजनाएं जो बनाई है, महंगाई राहत कैंप में जो रिलीफ दी है, बिजली के मामले में, गैस सिलेंडर के मामले में ओपीएस दी है, आपके पत्रकारों के लिए जो कोरोना में 50-50 लाख रुपए का जो सरकार ने लाभ दिया है वो भी आप जनता में बताएंगे। और मैं तो ये भी कहेंगे आपको कि आप तुलना और राज्यों से करिए और राज्यों से तुलना करके इस राज्य में जितनी हैं और राज्यों पर भी आप, चूंकि आपका ऑल इंडिया लेवल का संगठन है तो और राज्यों की सरकारों पर और भारत सरकार पर भी आपको दबाव बनाना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा पूरे देश में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पार्लियामेंट में कानून बन के और पूरे देश में लागू हो, वो ज़्यादा उचित रहेगा, ज़्यादा प्रभावी रहेगा। बाकी आपकी भावनाएं हैं वो हमने सुनी है, समझी है और आपकी भावनाएं हम